जय हिंद, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। चार वर्ष पूरे होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद गौशाला की जांच पूर्ण नहीं होने पर गौ सेवक द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देकर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र में बताया गया, नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर ने 2017 में आसपास के गांव के 15,000 गौवंश इकट्ठा कर गौशाला में रखे थे, जिनमें भारी संख्या में भूख प्यास से गौवंश ने दम तोड़ दिया था, जिनको गौशाला में ही दफन कर दिया गया था एवं भारी संख्या में गौवंश को बेच दिया गया था। उक्त मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को आदेशित किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण भी किया था एवं अधिकारियों की कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा था, लेकिन अभी तक ना ही जांच रिपोर्ट सामने आ रही, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उक्त मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं किए जाने पर जन सेवक एवं गौ सेवक आयुष श्रीवास ने उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। आज का ज्ञापन हमारा मऊरानीपुर की कुछ समस्याओं को लेकर है और यहाँ पर मेन हमारा ज्ञापन जो रहा है उसमें यहाँ 2017 में यहाँ के जो पूर्व विधायक और यहाँ के वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र, उनकी भाभी थी जो पूर्व विधायक रश्मि आर्य जी, उनके कार्यकाल में आचार संहिता लगने के कुछ घंटों पहले यहाँ पे एक हिंदुत्व का वोट बैंक पाने के लिए एवं गौ तस्करी करने के उद्देश्य से मऊरानीपुर नगर पालिका की धनराशि से प्रशासन और विधायक रश्मि आर्य जी की सहयोग से यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण कराया गया था। जैसा कि आप सभी को इसकी जानकारी है, उस गौशाला में हम सब नगरवासियों के देखने के अनुसार उसमें 20,000 के लगभग गौवंश क्षेत्र से व ग्रामीण एरिया से नगर से वहाँ पर लाए गए और गौवंश को रखने के बाद वहाँ से इन लोगों ने गौवंश की तस्करी चालू की। तस्करी के साथ जो बूढ़े गौवंश थे, बीमार गौवंश थे, वो उनको भूख प्यास से तड़प तड़प के जिनकी मृत्यु हो गई गौवंश की, वहाँ पर उनको बड़े बड़े गड्ढे खोद के वहीं गौशाला में दफना दिया गया। ये घटना 2017 की है और उस घटना से अभी तक लगभग 4 साल होने को हैं। इस विषय में नगर के कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, शिकायतें करी, ज्ञापन दिए और लगातार सब करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन और जो भी जांच अधिकारी वहां जांच करने के लिए आते हैं इसका खुलासा नहीं कर पाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, माननीय आज हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और प्रशासन के कई अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग उसमें इतनी है कि आप अगर अभी आधे घंटे में वहाँ गौशाला पहुँच कर जहाँ हम लोग बताएं वहाँ गड्ढे खुदवा के देख लीजिए, तुरंत आपको वहाँ पे हजारों की संख्या में कंकाल गौवंश के निकालने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे।